Hello students, welcome to all of you in Maths Online Classes. In this video we will learn about how to find LCM. So we have a question, find the LCM of the following by prime factorization method. So prime factorization method की सहायता से अपने को LCM find out करना है. अब prime factorization method आपने HCF में निकाला था, बिल्कुल same to same वही method है, बस last में थोड़ा सा change होगा. तो solve करके देखते हैं question. First question अपने पास 24 और 18 का अपने को एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले. तो प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे ही 24 का 2 से डिवाइड करने पर 12, अगेन 2 से डिवाइड करने पर 6, अगेन 2 से डिवाइड करने पर 3, फिर 3 से डिवाइड करने पर 1. ये देखिए सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं. ओके, नाउ 18 में करते हैं तो 2 से 9 टाइम्स में, अगेन 3 से करते हैं तो 3 टाइम्स में, अगेन 3 से करते हैं तो 1 टाइम में. तो 24 को अपन ऐसे लिख लेंगे, 2 × 2 × 2 × 3 लिख लिया. ऐसे 18 को लिख लेंगे 2 × 3 × 3. अब HCF में अपन क्या करते थे, जो सब में कॉमन है सिर्फ वही लेते थे. LCM में क्या करना है कि सबसे पहले तो देखना है कि सब के अंदर कौन कौन कॉमन है. ठीक है, तो देखिए दो नंबर है अपने पास 24 और 18, दोनों में 2 कॉमन है तो एक सर्कल तो यहाँ एक ग्रुप ये बन जाएगा. अगेन देखते हैं यहाँ 2, यहाँ 2 लेकिन नीचे नहीं है 2, फिर यहाँ 3 और यहाँ 3 है तो एक ग्रुप ये बन गया, तो दो ग्रुप तो ये बन गए. उसके बाद में जो नंबर सिंगल बच गए ना उनको भी लेना है. ओके, इतना ही फर्क है. तो इस ग्रुप का 1 2 आ गया, इस ग्रुप से 1 3 आ गया. ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ 2 सिंगल है नीचे नहीं है तो 1 2 ये आ गया, सेकंड 2 ये आ गया, फिर नीचे 1 3 और बचता है तो ये आ गया. इन सब का मल्टीप्लिकेशन अपन फाइंड आउट करेंगे तो 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 × 3 72. सो LCM अपना हो गया 72, तो ये अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. ओके, एक ग्रुप से आ गया, फिर ये दूसरा ग्रुप से आ गया, उसके बाद में जो बच गए सिंगल सिंगल उनको लिख लिया. ठीक है, नाउ इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, लिख के देखते हैं. 121 और 1331 का निकालना अपने को. तो 121 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो देखिए ये ना 2 से डिवाइड होता है, ना 3 से होता है, ना 5 से होता है, ना 7 से होता है. 7 के आगे प्राइम नंबर आता है 11, 11 से डिवाइड करके देखते हैं तो 11 टाइम्स में हो जाता है. अगेन 11 से करेंगे तो 1 टाइम में. इसी तरह से 1331 का करते हैं तो ये भी 11 से डिवाइड होगा 121 टाइम्स में. अगेन 11 से करेंगे तो 11 टाइम्स में, और अगेन 11 से किया तो 1 टाइम में. तो 121 को अपन क्या लिख लेंगे, 11 × 11, और 1331 को क्या लिख लेंगे, 11 × 11 × 11, 3 टाइम. ओके, सो अब सर्कल बनाएंगे तो एक 11 का सर्कल बन गया, दूसरे 11 का सर्कल बन गया, लेकिन ये तीसरे का सर्कल नहीं बन रहा. तो सबसे पहले जो सर्कल है उनको सिंगल टाइम लिख लेंगे, इस ग्रुप का 1 11, इस ग्रुप का 1 11, उसके बाद में जो अनग्रुप्ड हो गए उनको भी लिख लेंगे. ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 1331. तो इस तरीके से अपना रिक्वायर्ड एलसीएम क्या आ गया, 1331. ओके, एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं. क्वेश्चन है अपने पास 84, 90 और 120 का एलसीएम फाइंड आउट करना है. तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 42 टाइम्स में, अगेन 2 से डिवाइड करते हैं 21 टाइम्स में. अब ये 2 से होगा नहीं, 21 ऑड नंबर है, 3 से करते हैं 7 टाइम्स में, और अगर 7 को 1 टाइम्स में. नाउ नेक्स्ट 90 करके देखते हैं. तो 90 का 2 से करेंगे तो 45 टाइम्स में, ऑड नंबर आ गया, 3 से करते हैं 15 टाइम्स में, अगेन 3 से हो जाएगा 5 टाइम्स में, और ये 5 हो जाएगा 1 टाइम में. फिर 120 करते हैं तो 2 से करते हैं तो 60 टाइम में, अगेन 2 से किया ना 30 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड किया 15 टाइम्स, नाउ 3 से डिवाइड करते हैं 5 टाइम्स, और 5 से डिवाइड किया 1 टाइम. तो 84, 90 और 120 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 84 को अपन लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 7. ओके, इसी तरह 90 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 × 5. तो ये देखिए 19 को मैंने लिख लिया. इसके बाद में 120 को देखते हैं, तो देखिए 2 × 2 × 2 × 3 × 5, देखिए 2 × 2 × 3 × 5 × 2. ओके, तो यहाँ देखिए एक सर्कल बनता है, पूरे तीनों में कॉमन है 2, अगेन तीनों में कॉमन 3 आ रहा है. इसके बाद में जब तीनों में कॉमन नहीं आएगा तो अपन देखेंगे कि दो दो नंबर में कॉमन कहाँ है. तो देखिए यहाँ 2 और यहाँ 2, दो नंबर में कॉमन निकल रहा है ये, तो एक ग्रुप इसका भी बना लेंगे. ठीक है, इसके बाद में देखते हैं तो यहाँ देखिए 5 और 5, तो एक ग्रुप इसका बनेगा. ठीक है, तो जो जो ग्रुप बन गए उनको सिंगल टाइम से लिख लेंगे. तो इस 2 का एक बार लिख लिया, और इस ग्रुप 3 से 1 3 लिख लिया, उसके बाद में इस ग्रुप 2 का 1 2 आ गया, और इस ग्रुप 5 का 1 5 आ गया. इसके बाद में जो सिंगल बच गए उनको और लिख लेंगे. तो यहाँ देखिए 3 बस, यहाँ 2 बच गया,
यहाँ 3 बच गया और यहाँ 7 बच गया। अब इन सब का मल्टीप्लीकेशन अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 × 3 6 6 × 2 12 12 × 5 60 60 × 2 120 120 × 3 360 360 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने में मिल जाएगा 2520। तो ये अपना रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ओके सो इसी तरीके से अपने को सारे क्वेश्चंस करने हैं। सो होप यू विल गेट इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।